दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों अगहन पूर्णिमा को नहाने के पानी में तुलसी के जड़ की मिट्टी से स्नान करने से मन को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व होता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होने के कारण पूजा पाठ का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए स्नान दान तप से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सभी दुखों का नाश हो जाता है। ये पूर्णिमा 7 दिसंबर बुधवार को पड़ रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने सभी कलाओं से परिपूर्ण रहता है। यही कारण है कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसके साथ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन त्रिपुर सुंदरी जयंती भी मानी जाती है और इसे 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति मुसीबत से घिर जाता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश नाकाम रहती है। ऐसे समय में व्यक्ति धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, मोटिवेशनल आदि की मदद लेता है। और यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जैसे धन हानि, करियर में तरक्की, बीमारी, कामों में आ रही रुकावट, या फिर आप अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं उसमें रुकावट आ रही है, तो मैं आपके लिए इस पूर्णिमा के लिए खास उपाय लेके आई हूँ, जो आप इस पूर्णिमा को करके अपने सभी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है और यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, आपकी कुंडली में चंद्र की राशि नीच की है, तो आपको चावल का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई भी गरीब इंसान है तो आप उसे चावल का दान अवश्य करें। यदि आपकी इतनी शक्ति नहीं है तो आप बहते हुए जल में 21 दाने अक्षत के, जो कि खंडित ना हो, आप उसको फेंक दीजिए। उससे भी आपको वही पुण्य मिलेगा जो कि दान देने से मिलता है और आपके चंद्रमा जो कुंडली में खराब है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको धन की समस्या है, धन आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपके घर में नहीं आ पा रहा है, तो आपको एक लाल कपड़ा लेना है और 21 दाने चावल है जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, दानों को जरूर देख लेना चाहिए। उसे पीले रंग में रंग के उस लाल कपड़े में रख देना है और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है। फिर इसके बाद उसे आप अपनी तिजोरी में या पर्स में रख लीजिए। आपका धन संबंधी जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो पूरी हो जाएंगी। अगर आपके घर में निगेटिविटी बनी रहती है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है, या फिर बार बार बीमारियां आ रही हैं, तो आप अपने घर में पानी में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें और आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते किसी भी धागे से रस्सी की सहायता से बांधकर अपने दरवाजे का तोरण बनाएं और लगा दें। आपके घर की निगेटिविटी अवश्य ख़त्म हो जाएगी। और एक काम आप और कर सकते हैं, आप अपने घर के बाहर दाहिनी तरफ एक कटोरे में या मिट्टी का पात्र हो तो उसमें पानी रखें और फूलों की पंखुड़ियाँ डाल दें। फिर इसके बाद में दूसरे दिन उस पानी को उठाएं और किसी भी गमले में डाल दें। आपके घर की जितनी भी निगेटिविटी है वो ये पानी सोख लेगा और आपके घर में सुख शांति अवश्य आएगी। यदि आपके घर में कोई भी संतान है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर आप खुद किसी से विवाह करना चाहते हैं किंतु आपके विवाह में बार बार अड़चन आ रही है, ऐसे में आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी कि अगहन पूर्णिमा के दिन अपने घर के आसपास के किसी तालाब व नदी में जाकर दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा घर के मुख्य स्थानों पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके विवाह का योग जल्दी बनेगा। यदि आपके घर में धन से संबंधित समस्याएं हैं तो इस दिन से शुरू करके आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं या फिर 4-6 महीने तो ज़रूर कीजिएगा। आपको करना क्या है कि कुमकुम का तिलक लगाना है और उसके ऊपर चावल जो होता है, जो अच्छत होता है, उसको चिपका देना है। ये आप खुद करिए और घर में जितने भी सदस्य हों उनके भी कीजिए, क्योंकि जो चावल होता है उसका सीधा सीधा तात्पर्य चंद्रमा से होता है। कहते हैं कि चावल का दान या चावल की चीज़ें बेचना या चावल का जो है कोई भी चीज़ करना, ये चंद्रमा से संबंधित होता है। तो आप अगर चावल लगाते हैं माथे पे तो आपकी कुंडली में यदि चंद्र दोष है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और जब चंद्र दोष ख़त्म हो जाएगा तो आपके घर में, आपके घर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा।
यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की भी वृद्धि हो और धन आए फिर टिका भी रहे और फिर आपके घर से निगेटिविटी भी चली जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि चावल को हल्दी में रंगना है और इसके बाद में उसे लाल कपड़े में बांध लेना है और माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए। फिर दूसरे दिन आप तिजोरी में रख लीजिए, तो आपके घर में धन भी टिकेगा और धन आएगा भी और जो घर की निगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चावल के वैसे तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथि पर अगर इसे प्रयोग किया जाए तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। और पूर्णिमा के दिन, अगहन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपके घर में शिवलिंग है, आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि एक मुट्ठी अक्षत लेना है, लेकिन अक्षत को बीन लीजिएगा, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, ना ही अक्षत खंडित हो। जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो उस अक्षत को उन्हें समर्पित कर दें, इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए। जब आप खीर बनाएं तो थोड़ी सी खीर कौओं को अवश्य दें। इससे क्या होता है कि आपके ज़िंदगी में यदि शनि संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी बाधा आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी। यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, यानी कि आप बार बार किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपका काम सफल नहीं होता है, तो आपको अपनी माँ के हाथ से एक मुट्ठी चावल लेना है और उस चावल को अपने पास संभाल के रख लेना है। ये प्रयोग आपको एक साल के लिए करना है, यानी कि एक दिन लीजिए और उसको एक साल तक संभाल के रखिए। फिर जब अगली पूर्णिमा आएगी तो उस चावल को आप नदी में कहीं भी विसर्जित कर दीजिएगा और फिर दोबारा उसी दिन आप उनसे एक मुट्ठी चावल ले सकते हैं। आपके सभी काम बिगड़े हुए हैं वो बनने लगेंगे। एक और उपाय है धन प्राप्ति के लिए ही, यदि आपके घर में धन नहीं टिक रहा है तो आप इसको ज़रूर कीजिए। आपको लेना है एक मिट्टी का पात्र जो कि छोटा सा दिया हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आप दुर्वा और अक्षत और एक सिक्का लें, फिर इसके बाद वो माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें और ओम श्रीं श्रियाय नमः का जाप बार बार करें, कम से कम 108 बार। यदि आपके पास कमलगट्टा हो तो आप कमलगट्टे की माला पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद इसे ले जाकर अपने घर के उत्तर पश्चिम के कोने में रख दें, फिर आप इसको वहीं पर रखा रहने दें एक साल तक। ये उपाय फिर अगले साल जब पूर्णिमा आएगी तब आपको करना है। आप इसको अपने घर में रखे रहेंगे तो आपके घर में बरकत बराबर बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें, इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है जो आपको सभी तंगी से निजात दिलाएगा और सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।